वहीं लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्वी मंत्री चौधरी सरदार सिंह, पूर्व विधायक अशोक कुमार सहित अन्य कई नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में जाकर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय विभिन्न दलों से आए लोगों का स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में हमने 10 वर्षों के कामों को जनता के सामने रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में विभिन्न दलों में काम करने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा से बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्यगण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण ने पार्टी ज्वाइन किया है। मैं सभी का हृदय से पार्टी में स्वागत करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके अलावा विकसित भारत का संकल्प जो माननीय मोदी जी ने लिया है, सब लोग उस मुहिम के तहत विभिन्न दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयां दें। पायदान पर था पूरी दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर, आज हम अंग्रेजों को पछाड़ करके पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस ढंग से विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। हमने पूरे भारतवर्ष की जनता के सामने इस लोकतंत्र के महापर्व पर 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। 2000 बहुत दूर अगर न जाए, 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, कदाचार हुए, और देश के अंदर ज्यादातर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही हैं। लेकिन सभी कार्यकाल पर अगर आप नजर डालें 47 से अब तक के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार साबित हुई है। इन 10 वर्षों में विरोधी लाख चाहने के बाद भी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह भ्रष्टाचार कदाचार का नहीं लगा पाए हैं। हमारी पार्टी ने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।